फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड फतेह सीरीज का नया लेक्चर है भाई, और आप सबको पता है दैट बोर्ड फतेह इज बेस्ट फॉर रिवीजन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको इनका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, और कंसेप्ट आप लोग चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट का, वो कंसेप्ट जरूर देख लेना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो सुपर रीजन एडवांस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 497 फीस है इस एंडिंग टाइम में, श्योरली बहुत हेल्प मिलेगी आपको। शॉर्ट वीडियो लेक्चर है जिसे पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कलर्ड हैंड रिटन नोट्स है, जिसके मतलब जो आपको मिलते ही ऑलरेडी 200 में वो आपको इसमें मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड मैं गारंटी देता हूं कि जो उसको बहुत अच्छे से कर लेगा ना बच्चा, 90 प्लस कहीं नहीं गए उसके। हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने दे दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट कि आप आसानी से इनरोल कर सको। एंड डोंट वरी, फ्री में भी वीडियोज आएंगी, जैसे आ रही है बहुत अच्छे से आ भी रही है। ठीक है, अब कई बच्चों के होते हैं कि सर फ्री में वीडियोस, वो बेटा जी आती रहेंगी, डेली 2 से 3 वीडियो फ्री में आती है, आप इनको भी देख लो, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बने हुए हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड। आई होप कि आप कंसेप्ट देख के आए हो, अगर आपने कंसेप्ट नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो पहले कंसेप्ट देखा हो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, Cl2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ F2, ClF3 इज फॉर्म्ड, नॉट FCl3। क्लियर, जब Cl2 रिएक्ट कर रहा है F2 के साथ, ये क्वेश्चन बना भी हुआ बहुत बार, F2 एक्सिस में है, तो क्या होगा? अच्छा, अगर ये इक्विमोलर होते ना तो ये ऐसे बन जाता 2ClF, अगर ये इक्विमोलर होते, बट उन्होंने मेंशन कराया है कि ये एक्सेस में है तो ये बन जाएगा ClF3। अब पहला क्वेश्चन ये कि सर ये ClF5 क्यों नहीं बना, ClF7 क्यों नहीं बना? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों पास पास वाले हैं, जब रेडियस रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जब रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो कम एटम जुड़ते हैं। जैसे आयोडीन और फ्लोरीन की बात करें तो इनके रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इनके ज्यादा एटम जुड़ सकते हैं। अब बात क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है ClF3 इज फॉर्म्ड नॉट FCl3, ClF3 बना FCl3 नहीं बना, क्यों भाई ऐसा क्यों है? पहली बात कि अगर आपको FCl3 बनाना है मतलब F सेंट्रल एटम होना चाहिए, और सेंट्रल एटम की कंडीशन क्या होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रेटर साइज, लार्जर साइज। तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कांट एक्ट एज सेंट्रल एटम इन इंटरहैलोजन कंपाउंड। सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? जो अकेला हो, जैसे सीएल है, सीएल यहां पे अकेला है। क्यों है? सेंट्रल एटम की हमने कंडीशन की थी कि उनका साइज बड़ा होना चाहिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बट एफ के केस में ऐसा नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि FCl3 बन सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बने हुए हैं ना वो स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। 2018, 2017, 2016, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 बहुत सब, कोई भी साल ऐसा नहीं ज्यादा जब नहीं बन रहे। तो पीएम लोग के आपको स्ट्रक्चर जरूर आने चाहिए, ठीक है, और वेस्पर थ्योरी से, उसके लिए आपको कंसेप्ट देखना नहीं चाहिए। वेस्पर थ्योरी भाई भारत पंचाल करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। BrF5 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना है, तो कैसे बनाओगे? पहले आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्टेरिक नंबर कैसे पता लगता है? इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होना चाहिए इसके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, फोकस कीजिएगा। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, F5 है ना, F5, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके पास? 5। 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर है 1। अब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, अगर आपको याद हो तो, यहां पर दिया होगा, यहां पर हर जगह पे F लगेगा और कुछ ऐसे, इट इज कॉल्ड स्क्वेयर पिरामिड। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वेयर पिरामिड। नेक्स्ट इज ClF3, यहाँ पे सेंट्रल एटम है Cl, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 3। और लोन पेयर कितने हो गए? फोकस कीजिए, लोन पेयर कितने हो जाएंगे बताओ आप? 7 है ना, ये 7 है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 से 2 लोन पेयर, 3 और 2 5, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो करिए 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे।
बीच में आएगा सीएल, साइड में आएगा एफ एंड इट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टी शेप्ड बोलेंगे। नेक्स्ट इज बी आर एफ थ्री, बी आर एफ थ्री भी एज इट इज ही बनेगा, ठीक है, उसमें भी तीन ऐसे बस यहां पे बी आर आ जाएगा एफ एफ एफ, क्लियर। नेक्स्ट इज किसका चित्र बनाना आपने, बी आर ओ थ्री नेगेटिव का, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ये हमने ना उसमें देखना है हैलोजन नोबल गैसेस बारे में देखना है, तो इस टाइम उसको उसी टाइम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ टू सॉरी आई सी एल टू इज मोर रिएक्टिव देन आई क्यू, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ ऑल इंडिया में 2011 12 10 16 में, तो कैसे करेंगे, आई सी एल इज मोर रिएक्टिव वाई देन आई क्यू, क्यों होता है भाई, बिकॉज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स, हमेशा की बात है ये कि इंटरहैलोजन कंपाउंड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एक्स एक्स डैश ज्यादा रिएक्टिव होगा एक्स एक्स के बॉन्ड से, इसी वजह से जो आईसीएल है वो ज्यादा रिएक्टिव है आई टू से। यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, एक केस ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन आ जाता है यहां पे, वो है एफ टू, हमने किया भी था कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है छोटी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसका स्मॉल साइज रहता है ना, अब ये दरवाजे की बात होती है, मैं बता दू छोटा सा घर है तो दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं, बार बार कुछ कुछ कमेंट आ जाते हैं, चलो तो ये क्या है कि लोन पे ना एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, लोन पे रिपेयर करते हैं, स्मॉल साइज की वजह से इसका बोन छोटा बनता है, जिस वजह से इसके जो लोन पेस हैं वो एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, लोन पे रिपेयर करेंगे तो बोन बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है या फिर कह लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, इसको तोड़ना आसान होता है, ये अकेला से हैलोजन है जो इंटरहैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बाकी सभी केसेस में इंटरहैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टू इज मोर रिएक्टिव देन सीएल एफ थ्री, बट सीएल एफ थ्री इज मोर रिएक्टिव देन सीएल टू, हमने ये भी डिस्कस किया, इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड, मतलब इसी तरह से सीएल एफ थ्री तो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि सीएल एफ थ्री इंटरहैलोजन है, ये हैलोजन है। एफ टू के केस में क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज लेस, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडिक्ट द शेप एंड आस्क्ड एंगल इन सी एल एफ थ्री एंड द एंगल बिटवीन एफ सी एल एफ, तो पहली बात आपको शेप बतानी है सी एल एफ थ्री की, जस्ट अभी बता के आए हैं हम, एंड एंगल का ना बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, लेसर देन 90 डिग्री होगा भाई, कितना होगा, लेसर देन 90 डिग्री, यही आपने आंसर भी करना है, प्लीज आप लोग एक बार वेस्ट पर थ्योरी देख लेना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर सी एल थ्री इज मोर स्टेबल देन बी आर सी एल फाइव, वाई, देखो भाई एक है बी आर सी एल थ्री एक है बी आर सी एल फाइव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पास पास वाले हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन पास पास वाले हैं, यहां पे सेंट्रल एटम का काम कर रहा है ब्रोमीन, तो ज्यादातर चांसेस यही है, अगर बिल्कुल पास पास वालों को आपने जोड़ा है ना तो उनमें तीन जुड़ते हैं, मतलब एक्स एक्स डैश थ्री होता है जब आप पास पास वाले को जोड़ते हो तो। बट यहां पे क्या रीजन लिखोगे आप, यहां पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री, यहां पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन प्लस फाइव ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां पे ये रीजन आप लिखने वाले, बाकी एक्चुअल रीजन इसका ये जो बुक्स में दे रखा ये दे रखा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका पेयर जल्दी ब्रेक नहीं होता, इतनी आसान नहीं है इसके पेयर को ब्रेक करना, बाकी रीजन यही है कि बी आर और सीएल पास पास वाले हैलोजन्स है, और पास पास वाले हैलोजन्स के साथ क्या रहता है कि वो ज्यादा में नहीं जुड़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना तो ज्यादा एटम्स आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल एटम होगा और साइड में ये बहुत सारे हैलोजन्स को अपने साथ जोड़ सकता है, बट अगर बिल्कुल पास पास वाले हैं ज्यादा साइड में डिफरेंस नहीं होता तो कम ही एटम आपस में जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does fluorine not play the role of a central atom
इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है कि क्यों होता है ऐसा कि फ्लोरीन सेंट्रल एटम का काम क्यों नहीं करता। सेंट्रल एटम बनने के लिए क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्जर साइज, जबकि फ्लोरीन के केस में बात करें तो इसका साइज भी बहुत स्मॉल है, एंड अगली बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई नहीं रिएक्ट कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है CLF3 मॉलिक्यूल हैज टी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड नॉट अ ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप कि आपको ट्राइगोनल प्लेनर पता है। ट्राइगोनल प्लेनर किसे कहते हैं जिसमें तीन बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, और टी शेप किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना आपके CLF3 से बने हुए हैं, तो मुझे जो लगता है वो कहते हैं ना सुपर गैस, CLF3 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अगर प्रीवियस कैरियर के पैटर्न को हम लोग देखें तो CLF3 से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो आप देखो कि इसमें दो लोन पेयर होते हैं, दरअसल गैस पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी शेप क्या होगी, टी शेप, ना कि क्या ट्राइगोनल प्लेनर। यही सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। स्टिल कुछ डाउट है जरूर बता दो, को सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन रखेंगे इस चैप्टर का। चलिए ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑक्सीएसिड से रिलेटेड बने हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर अगर हम बात करते हैं ओलंपिया सीबीएसई बोर्ड की तो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखो तो जैसे 2014, 2017, 2018, 2019, 2009, 2011 इन सभी के अंदर आप नोटिस कर पा रहे हो तो जो क्वेश्चन बना है इनके स्ट्रक्चर से बना है। तो जैसे आपको HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको आप कैसे बना सकते हो, HClO3 सॉरी ClOH इस तरह से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहां पे चाहो तो इसका लोन पे दिखा सकते हो। मैंने करवाया है, मैंने आपको ऐसे करवाया था, ये Cl, ये H, ये O ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है आपने तो वो कैसे बनाओगे, ClOH डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सीएसिड HOF। ये क्वेश्चन कई बार बना है और जनरली ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म मोर नंबर ऑफ ऑक्सीएसिड या लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीएसिड, क्यों भाई, ड्यू टू द एबसेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई आपने देखो कि जितने भी ऑक्सीएसिड होते हैं, अभी तक हमने सल्फर के ऑक्सीएसिड देखे थे तो वहां भी मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ते थे, हमने क्लोरीन के ऑक्सीएसिड देखे तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़े, वो जरूरत पड़ती है हमें, बट फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। और दूसरा इसका रीजन ये भी है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज, ये भी दो रीजन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO, ऐसा क्यों होता है भाई, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO, आप क्या लिखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट इन HClO4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 एंड इन HClO ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन। क्वेश्चन है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, HClO की है, और सबसे कम किसकी है, HClO4 की है।
ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर मैं डिफाइन करूं, किस तरह डिफाइन करूंगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, ठीक है। या फिर आप इसे कुछ ऐसे कह सकते हो कि टेंडेंसी टू लूज ऑक्सीजन, कि कौन कितनी आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा एक सिंपल शॉर्टकट बताता हूं आपको, सिंपल आप लोग क्या ले सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल शॉर्टकट तो भैया यही है जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंस यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है, यहां पे प्लस 5 है, यहां पे प्लस 3 है, यहां पे प्लस 1 है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होने वाली है, क्लियर है। या फिर इसको आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो अनायंस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो अनायंस कुछ ऐसे होगी, सीएलओ फोर नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, सीएल ओ थ्री नेगेटिव उससे कम स्टेबल, सीएल ओ टू नेगेटिव उससे कम स्टेबल, एंड सीएल ओ नेगेटिव सबसे कम स्टेबल। जिसकी ऑक्सो अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, वो ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज्यादा ऑक्सो अनायन स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता। ऑक्सीजन को रिलीज कौन करेगा आसानी से, ये, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा अच्छी है, क्लियर है। तो यही सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं किससे भाई, ऑक्सो एसिड से।